ओ भाई साहब, बकवास बकवास बकवास। पहले हम अप्लाई कर लेते हैं एंड देन देखते हैं कि इसने कैसा वर्क किया। नो डाउट काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है, काफी ज्यादा। मैंने कितनी गंदी स्मेल आ रही है, मैंने सोचा मेरे नाक पे क्या चढ़ रहा है। ओ माय गॉड, अभी जिसकी मैं तारीफ कर रही थी इसके स्मेल ने पूरा बैंड बजा दिया। इसकी बहुत ही गंदी स्मेल, मैं आपको ने केमिकल नहीं था, केमिकल मतलब दवाइयां जो काफी। नो डाउट गाइस, ये प्राइमर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एक्सेप्ट इसकी स्मेल, बिकॉज इसमें गंदी स्मेल आ रही है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बट हाँ इसने मेरे पोर्स तो नहीं फील किया बट मेरी स्किन को इतनी स्मूथ कर दिया ना। अगर स्मेल ना होता तो आई थिंक काफी अच्छा होता, बट स्टिल अच्छा है। तो मैं इसे दूंगी 10 में से 6। तो नेक्स्ट हम अप्लाई करने वाले हैं फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन के लिए ये NC25 एंड कोई भी शेड नहीं है, तो प्लीज शेड तो मत पूछना मुझसे। एंड मुझे पता है ये गोरा देने वाले है, मेरी स्किन का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो देखते हैं मेरी स्किन का है कि नहीं, बिकॉज यहां से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। नो बिल्कुल भी नहीं है मेरे स्किन का, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वाइट, मतलब लुक एट माई हैंड, ऑफकोर्स मेरे हैंड मेरे फेस से ब्लैक हो रहे हैं थोड़े, बट लुक एट माई बिल्कुल भी नहीं है। एंड हम इसी का ब्यूटी ब्लेंडर यूज करेंगे, तो पहले मैं इसे वेट कर आती हूँ एंड देन अपने यूज करते हैं। नो डाउट ये ब्यूटी ब्लेंडर काफी ज्यादा सॉफ्ट है, बट इट्स लाइक ए रुई नहीं होती कॉटन, तो मुझे कुछ वैसा सा फील हो रहा है। पहले मैं अपने एक फेस पे, मतलब हाफ फेस पे, एक फेस पे, मेरे दो फेस कब से आगे तो पहले मैं एक फेस पे अप्लाई करूंगी एंड देखते हैं कितनी कवरेज देता है ये। एंड बहुत व्हाइट है, मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले ली, तो चलो पहले फिंगर से अप्लाई करते ताकि ब्यूटी ब्लेंडर सोप भी ना करे। एंड काफी ठीक सा लग रहा है, बट आई डोंट थिंक सो ये फाउंडेशन है तो क्या है। अब ब्लेंड करते हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये कितना कवरेज देगा, बट इसलिए मैंने हाफ फेस पे अप्लाई किया है तो इसकी कवरेज पता चले। एंड फटाफट ब्लेंड कर लेते हैं। ओ सारा इस ब्यूटी ब्लेंडर ने ले लिया एंड गायब। आई डोंट थिंक सो ये ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा है, इतना फाउंडेशन मेरे फेस पे नहीं है जितना इस ब्यूटी ब्लेंडर ने ले लिया। लाइक ये देखो एंड ये देखो। ओ भाई साहब, व्हाट इज दिस,
मतलब रियलिटी में ना, रियलिटी मतलब क्या, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मैं अगर अपने आप को यहाँ पे देखू ना तो इस स्किन में मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लगता है यही मुझे ज्यादा ब्राइटन अप लग रही है, बिल्कुल भी कवरेज नहीं है लाइक, सीरियसली कुछ तो दे देते मतलब। मुझे हंसी आ रही कि गायब कहाँ हो गया, क्या इसे इस ब्यूटी ब्लेंडर ने ले लिया या इसकी कवरेज नहीं थी। चलो इस वाले फेस के ऊपर हम अपने हाथ को काम में लेते हैं एंड हाथ से देखते हैं कि कुछ होता है क्या, या कुछ भी नहीं था, पैसे वेस्ट गए मेरे लग रहा है। देख सकते हो कि मैंने इस साइड अपने हैंड से ब्लेंड किया है एंड आई है कवरेज, बट जो एक फाउंडेशन काम करता है वैसा तो इसने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक मतलब अपने जब कोई क्रीम लगा रहे थे विंटर्स में, एक मैल टाइप का जो निकलता है ना, वो मेरे पूरे यहाँ पे निकल रहा है, बट स्टिल मुझे अभी भी कोई कवरेज नहीं लग रही, बट हाफ फेस पे ग्लो है। बकवास बकवास बकवास, जितने अपने वर्ड्स में बोलो बकवास हो, तो लेट ड्रॉप दिस टॉपिक एंड नाउ मैं यूज करने वाली यहाँ पे मैक का कंसीलर। उसको देख के मैं इस चीज से तो बिल्कुल डर चुकी हूँ, इतना वाइट है, इट्स लाइक ए पानी, कुछ दिख रहा है आपको? ओ माय गुडनेस। सबसे पहले तो इसकी वोन मतलब इसके आगे वाली जो टिप है वो इतनी टाइट है ना, एंड इट्स लाइक ए पानी, में क्या ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूँ। मैंने सोचा कंसीलर अच्छा होगा एंड कुछ वर्क देगा, बट देख लो ये ऐसे फंस। व्हाट इज दिस, आज मेरी स्किन की जो बैंड बजेगी ना, उतना अगर लाइट नहीं आया ना तो मैं ऐसे गुस्सा हो जाऊंगी कसम से। एंड गायब सेम। फाउंडेशन को भी साफ करके ले गया। ओह वाओ, आई लुक लाइक ए जोकर, जो कर रहा है। हाँ ये भी गिर रहा है, इसको भी पता चल गया कि आज मैं काम ढंग से नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही, मेरे प्रोडक्ट नहीं कर रही। मुझे पता ही नहीं चला कि इन्होंने एक सीरम भी दिया था जो कि मैक का है एंड मैं उसे भूल चुकी हूँ। तो नाउ हम यूज करने वाले ब्लश, बिकॉज इन्होंने हमें कोई ब्लश नहीं दिया है तो हम इसे लिपस्टिक को ही एज ए ब्लश यूज करने वाले हैं। एंड कलर्स देखते हैं, पहले तो हम इट्स डार्क रेड एंड इट्स डार्क पिंक, कलर तो नो डाउट अच्छे हैं, आई डोंट नो कि ये चलेंगे कि नहीं, तो मैं यूज करने वाली हूँ पिंक एंड रेड दोनों। यस, इतने कम प्रोडक्ट है तो हम दोनों यूज करेंगे एंड दोनों देखेंगे कैसा वर्क करता है। तो स्माइल लो भाई, जमा हुआ है ये एकदम। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये ब्लेंड भी होगा बिकॉज ये चलने में इतने हार्ड है, तो ब्लेंड कैसे होगा, इसको ऐसे 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 करना पड़ेगा। सो गाइस आई एम लुकिंग लाइक दिस बिकॉज ये ब्लश भी मतलब ये दोनों एक दोनों लिपस्टिक इतनी गंदी है, लाइक चीप चीप चीप, मुझे बहुत बेकार लगी। बट इसको नहीं लूंगी डायरेक्टली अप्लाई करने का बिकॉज मुझे पता है मेरे आईज में पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं पहले यहाँ पे रब करूंगी एंड देन अपनी फिंगर से आई शेडो करेंगे। तो गाइस ने कुछ ऐसी पिगमेंटेशन दी है, मतलब काफी ज्यादा प्रोडक्ट निकालने के बाद है, मैं सेम आईज पे भी अप्लाई कर लूंगी। आई एम लुकिंग लाइक जॉकर। एंड लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है एक कॉम्पैक्ट पाउडर आई थिंक, चलो चेक करते हैं इसके अंदर क्या निकलने वाला है। तो इसके अंदर निकला है लूज पाउडर जो मेरे स्किन से काफी ज्यादा वाइट है, एंड चलो फिर हम इसे ही अप्लाई करेंगे जो भी है। एंड इसके अंदर एक स्पॉन्ज भी दे रखा है जो कि काफी ज्यादा वो नहीं आता, क्या बताऊं मैं आपको, समझ जाओ मैं किस टॉपिक की बात करी, जो एक आता है ना यार व्हाइट कलर का कार्डबोर्ड टाइप में, वो ही लग रहा है मुझे। तो चलो हम ब्यूटी ब्लेंड, इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आ रही, दैट्स अ गुड पार्ट। तो चलो हम अप्लाई करते हैं। नाइस, लुक एट दिस, इसने कितने अच्छे से मेरे इस आईज को ब्राइटन अप कर दिया, काफी सही लग रहा है मुझे।
ओवरऑल उस फाउंडेशन एंड कंसीलर से तो इसने अच्छा ही वर्क किया है एंड अच्छा भी लग रहा है मुझे. नॉट टू मच बट नॉट बैड ऑल्सो, बिकॉज जितने प्रोडक्ट्स को हम कंपेयर करें, लूज पाउडर ने काफी अच्छा वर्क किया है, मुझे काफी अच्छा लगा. एंड अब बात आती है लिपस्टिक की, एंड आई डोंट नो मैं कैसे अप्लाई करूँ इसको बिकॉज ये बहुत हार्ड है. तो चलो हम अप्लाई करते हैं इसका एंड देखते हैं इसका वर्क कैसा होता है, बिकॉज हमें पता है कि बेकार है एंड हार्ड है तो मेरे लिप्स ना जले, मुझे इस बात का डर लग रहा है. बट ठीक है, अप्लाई करते हैं. नो डाउट जितना लिपस्टिक मेरे चिक्स पे गंदा वर्क कर रहे थे ना, बट इनकी पिगमेंटेशन मेरे लिप्स पे मुझे ठीक लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है. तो मैं सोच रही थोड़ा, ये मैंने रेड सा कलर अप्लाई किया तो क्यों ना इसके ऊपर पिंक भी अप्लाई कर लिया जाए, क्योंकि दो लिपस्टिक दिए तो वाई नॉट यूज किया जाए. एंड देखते हैं दोनों का मिक्स मैच करने के बाद कौन सा कलर आता है. कुछ फर्क तो नहीं लगा, बट हाँ ये ब्लड रेड कलर बन गया एंड इट्स लाइक ओके ओके. एंड मुझे एक चीज जो इसमें ये लगी कि इन्होंने मतलब आई के लिए कुछ भी नहीं दिया, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं दिया एक्सेप्ट आई लैशेस. मतलब कुछ तो दे देते हैं काजल मस्कारा जिससे हम थोड़ा बहुत टचअप कर लेते हैं, बट इन्होंने कुछ भी नहीं दिया. बट ठीक है, बट 163 रुपीज के ऊपर मुझे ऐसा लगा वेस्ट ऑफ मनी. एंड अब इसमें इसको कैसे अप्लाई करूँ बिकॉज इन्होंने ग्लू भी नहीं दिया. तो चलो जैसा दिया है वैसा ही अप्लाई करेंगे, बिकॉज हम अपने बेस को कंप्लीट जरूर करेंगे एंड सारे प्रोडक्ट अप्लाई जरूर करेंगे. एंड लास्टली है ये मेकअप फिक्सर जो कि है हुडा ब्यूटी. आई थिंक जो चीप जो प्रोडक्ट होते हैं वो हुडा और मैक के अलावा ये लोग कुछ नहीं बनाते एंड उसका रेप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, बट ये कहीं से रेप्लीकेट भी नहीं किया इन्होंने. तो चलो इसको भी फुस कर लेते हैं बिकॉज जब सब कर ही लिया, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं ऐसा मेरे बेस के ऊपर, बट स्टिल हम इसको अप्लाई कर लेते हैं जब इन्होंने दिया है तो. इट्स लाइक पानी, नहीं ये रोज वाटर है 100% शोरूम है. हाँ ये रोज वाटर ही है, हाँ ये रोज वाटर है गाइस. सो गाइस इट्स लाइक ये रोज वाटर है एंड कुछ भी शाइन वगैरह मेरे फेस पे नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ पानी की तरह मेरे फेस के ऊपर पड़ा है. तो ओवरऑल अगर मेरा एक्सपीरियंस देखोगे एंड मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जज करूं तो मुझे सबसे ज्यादा घटिया प्रोडक्ट लगे वर्ल्ड के, जितने चीप है उतने ही ज्यादा घटिया है एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. एंड जो मुझे मेकअप में अच्छा लगा वो प्राइमर है एंड सीरम मैं यूज करना भूल गई, तो मेकअप प्राइमर तो अच्छा लगा और लिपस्टिक ने लिप्स पे अच्छा वर्क किया एक्सेप्ट फेस के ऊपर उन्होंने अच्छा वर्क नहीं किया. बट अगर एक सिंगल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मुझे प्राइमर अच्छा लगा, बट इसकी भी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगी थी. इसका यूज मैं नहीं कर सकती बिकॉज इसमें ग्लू ही नहीं है तो ये चिपक भी नहीं रहे. सो या गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, मुझे तो सारे ही प्रोडक्ट काफी ज्यादा घटिया लगे एंड मैं इसे लाइफ में वापस कभी नहीं वीडियो में मजा आया. और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड आप किस टाइप की और वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए बनाने में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.